الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مُدَّكِرٍ صدق الله العظيم ناصره الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته برنامج جستجو دل उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब बा ख़ैर आफियत होंगे और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम आज की रात और आने वाले दिन के हर तरह के शर से आप में से हर एक की हिफाजत फरमाए और अल्लाह रब लिज़त आज की रात और आने वाले दिन की हर तरह की खैर वरकत से हम सब को हिस्सा नसीब फरमाए जो जिंदगी गुजर चुकी उसमें होने वाली ख़ताओं को अल्लाह रबुज़त मुआफ़ फरए और आइंदा आने वाली ज़िंदगी को अल्लाह रबुज़त हर तरह की बीमारियों परेशानियों बेसकूनीों से बचाते हुए खैर आफियत सेहत तंदुरुस्ती सलामती ईमान और इंसानियत के लिए मनफियत वाला बनाए नाजिक ग्राम प्रोग्राम जस्तरों के अंदर हर जुम्मे की शाम हमने आगाज़ किया है हकीम की तरजमा और तफसीर को बयान करने के हवाले से और उसके अंदर जो पहले कुछ प्रोग्राम्स के अंदर हम कुछ हकीम के अजमत और इसको समझने की जो ज़रूरत है उसके हवाले से बात कर चुके हैं सुन फातह के हवाले से हम बात कर चुके हैं और आप तो तमाम लोग के जो इस जर्नी के अंदर शरीक होने का इरादा कर चुके हैं अल्लाह रबुज़त आप सबको भी कुरान हकीम की बरकत अता फरमाए वो जो नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं कुरान हकीम के साथ वाबस्ता हो जाने वालों के अल्लाह अल्लाबुज़त आप आपको वो नसीब फ़रमाए जो अपने घरों के अंदर एफ़र्ट करके इरादा करके ये नीयत कर ली है जिन्होंने कि इन हमने इस कुराने हकीम को समझने के इस सफ़र को कंटिन्यू रखना है और इन देखिए जब आप रेगुलरली एक चीज़ को सुनते चले जाएंगे तो इन कई ऐसी चीज़ें कि जो पहले उस तरह से समझ ना आ सकी होंगी आहिस्ता आहिस्ता वो समझ आती चली जाएंगी और कुरान आपके लिए हर तरह की इन आसानी होती चली जाएगी तो इन आज हम सरय बकरा का आगाज़ करेंगे और सोर् बकरा हकीम की अजीम सूरतों में से एक अजीम सूरत है और ये तवील तरीन कुरान हकीम की सूरत है और इसके अंदर तकरीबन दो सौ छियासी के करीब आयात मुबारक हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरह मुबारक को नाजिल फ़रमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत फरमाने के बाद इसीलिए इसको मदनी सूरतों के अंदर शुमार किया जाता है और ये आप देखते होंगे कि जब भी कुरान हकीम की किसी भी सूरत की आप तिलावत करते हैं तो शुरू में लिखा होता है कि ये मदनी सूरत है या मक्की सूरत है तो बसा अवकात लोगों को इस हवाले से इतना अंदाज़ा नहीं होता वो ये समझते हैं कि जो सूरत मदनी है उसका मतलब है वो मदीना तयबा में ही नाजिल हुई होगी और जो मक्की सूरत है वो मक् मुकरमा में ही नाजिल हुई होगी तो ऐसा ज़रूरी नहीं है बल्कि मुफसरीन ने इसके हवाले से ये एक असूल रखा है कि वो तमाम सराह मुबारक या वो तमाम आयात मुबारक कि जो नबी करीम सलील्ह वसलम की हजरत फरमाने से कबल नाजल हुई उससे पहले नाजल हुई वो तमाम मक् आयातें मुबारक कहलाती हैं बल्कि इवन जब आप हजरत का सफ़र कर रहे थे उस सफ़र के दौरान भी दुरान सफर जो आयात मुबारक नाजल हुई उनको भी मक्की आयात मुबारक ही के अंदर शुमार किया जाता है और फिर जब आपने मदीना तय्यबा हजरत फरमा ली अब वहाँ पर जितनी भी आयात मुबारकूरत नाजिल हुईं उसके बाद चाहे वो मदीना तयबा के अंदर नाजिल हुई हूँ चाहे फिर आप बाद के अंदर जैसे आप मुख्तलिफ जगहों के ऊपर तशरीफ़ लेंगे जैसे इवन मक्का के अंदर आप हज के लिए तशरीफ़ लाए और इसी तरह से हदैैबिया के मकाम पे हो या इसी तरह से आप किसी ग़बा के अंदर शरीक हुए किसी दूसरे मकाम पे शहर मदीना मुनवरा से बाहर भी तशरीफ़ लेंगे तो वहाँ पर भी जो आयात मुबारक नाजिल हुई उनको मदनी आयात में ही और मदनी सूरतों में ही शुमार किया जाता है तो ये एक बुनियादी सा असूल है और फिर मुफसरीन ने बड़ी रिसर्च करके बड़ी खूबसूरती के साथ चंद चीज़ों को यूँ हमारे सामने आसान बना दिया है कि अगर हमें ये असूल पता चल जाए कि ये ये चीज़ें अगर हम कोई भी जब कुरान हकीम की तिलावत कर रहे हों तर्जुमा के साथ पढ़ रहे हों और हम ये जानना चाहें कि ये मदनी सूरत है ये मक्की सूरत है हमें उस तरह से मालूम ना हो मुफ्फ़ के अंदर ना भी लिखा हो तो बिल्कुल मजमून सूरत का आपको बता देगा कि ये मक्की सूरत है ये मदनी सूरत है तो इसी हवाले से ये दो चार पॉइंट्स में इनशाला आपके सामने रखता हूँ कि जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई भी जो शुरह मुबारक है वो किन किस कैटेगरी में उसका शुमार हो रहा है मदनी सूरतों में या मक्की सूरतों में आप ख़ुद भी जब इन तिलावत करेंगे तो आप इस चीज़ को महसूस करेंगे उसमें से एक चीज़ तो यह है कि जब भी किसी सूरत के अंदर लफ्ज़ कल्ला इस्तेमाल हो रहा है तो ये समझें कि ये मक्की सूरतों में इसका शुमार होगा कुरान हकीम के आखिरी पारे के आखिरी जो नस्फ़ है उसके अंदर ये लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल किया गया है उन सूरतों के अंदर ये तकरीबन पंद्रह सूरतों में तैंतीस मरतबा इस लफ्ज़ को अल्लाह इज़्ज़त ने ज़िक्र फ़रमाया है तो वो तमाम सूरतें जिनके अंदर ये लफ्ज़ आया है वो मक्की सूरतों के अंदर उनका शुमार होगा इसी तरह से हनफ़ी के मुताबिक वो सूरतें कि जिनके अंदर वो आयात मुबारक मौजूद हैं जिनमें सजदा किया जाता है तो वो तमाम सूरतें भी मक्की सूरतों के अंदर शामिल की जाएंगी शुमार होंगी इसी तरह से वो, वो तमाम शुरहआ मुबारक या वो तमाम आयात मुबारक के जिनके अंदर हज़रत आदम सलाम और इबलीस का जिक्र किया गया है सुरह बकर के अलावा वो तमाम भी सूरतों के अंदर शुमार की जाती हैं सिवाय सुरह हज के कि उसके हवाले से दोनों आरा मौजूद हैं ये एक मुस्तना है उसके अलावा बाकी वो तमाम सूरतें जिन अंदर हज़रत आदम सलाम और इब्लीस का तस्करा किया गया तफसील के साथ वो मक्रतों के अंदर शुमार होती हैं अच्छा इसी तरह से फिर दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो मदनी सूरतें हैं उसके अंदर भी अगर आप ये देखें कि कोई भी ऐसी शराह मुबारका हैं या आयात मुबारक हैं कि जिनके अंदर मुनाफिकीन का तस्करा हो रहा है तो वो मदनी सूरतों के अंदर शुमार होगा क्योंकि यहाँ मुकरमा के अंदर दो ही ग्रोह थे एक मुसलमानों का और दूसरा उनके सामने कुफार थे मशरकिन थे मुनाफी यानी दरमाना वहाँ पर कोई ग्रोह मौजूद नहीं था क्योंकि नफाक की तो वहाँ पर सवाल ही नहीं ना पैदा होता था ये तो बाद के अंदर जब मदीना तैयबा के अंदर मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गलबा कुत तथा फरमाए तो वहाँ पर फिर कई लोग अपने वक्ती मफाद के लिए ज़ाहिरन इस्लाम के लिए बादा उल्लिया करते थे या मक्का मुकरमा के अंदर तो इस्लाम का नाम लेना ही अपने लिए अपने अहाना के लिए मुश्किल खड़े कर देने के मुतरद हुआ करता था तो यहाँ पर यह दो ग्रोह थे एक वो हैं कि जो सुबह शाम जुलम से झील रहे हैं कभी उनको मक्के की गलियों में घसीटा जा रहा है कभी उन पर आवाजें कसे जा रहे हैं कभी उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं कभी उनको अजीब गरीब नामों से पुकारा जा रहा है और ये मुसलमानों का गिरोह था और दूसरी तरफ उनके मुकाबले के अंदर वो मों सेम ढाने वाले वो मक्का की गलियों में घसीटने वाले वो मुख्तलफ़ नामों अलकबात से पुकारने वाले वो कुफ़ारशरकिन थे जो उनके मुकाबले मौजूद थे तो इसलिए वो तमाम सूरतें कि जिनके अंदर मुनाफीन का तस्करा है वो आयात मुबारका जिनके अंदर मुनाफीन का तस्कर है वो मदनी सूरतों के अंदर मदनी आयात के अंदर उनका शुमार होगा इसी तरह से वो तमाम आयात मुबारक कि जिनके अंदर जहाद के अहकाम को बयान किया गया है और उसके हवाले से तफसीत जिकें तो वो मदनी आयात मुबारक ही के अंदर उनका भी शुमार किया जाएगा इसी तरह से एक और बात जो अमूमी तौर पर अक्सर वेशतर इस तरह होता है कहीं पर इसका अक्स भी हो सकता है कि वो जो 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 हैं उनके अंदर अक्सर बेशतर जब खिताब फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो या आयूह नास कह के पुकारा गया है और दूसरी तरफ जो मदनी सूरतें हैं उनके अंदर अक्सर बेशतर या यूह लदीना आमनू कह के पुकारा गया इसी तरह से जो मक्की सूरतें हैं वो अक्सर वो मुख्तसर हैं और मदनी सूरतें अक्सर वो तवील हैं जैसे ये खुद सूरह बकरा ये मदनी सूरतों के अंदर शुमार होती है और ये कुरान हकीम की तमाम सूरतों में सबसे बड़ी सूरत है इसी तरह से जो मक्की सूरतें हैं उनके अंदर अल्फाज बड़े ऐसे अल्फाज की जिनके अंदर इस्तियारा है तमसील है फ़साहत व बलागत का एक आला इमतज़ाज वहाँ पर नज़र आता है वो आपको अक्सर मक्की सूरतों के अंदर नज़र आएंगे जैसे आप देखें ना कुरानकीम हकीम और उनके अंदर एक वो खूबसूरत एक अंदाज़ वैसे तो कुरानी हकीम की हर शुरे मुबारक एक बेमसलो बेमिसाल है हर आयत के अंदर एक खूबसूरती है लेकिन मक्की सूरतों के अंदर ख़ास तौर पर चूँकि ये जो अहल अरब थे और ख़ासतौर पर यहाँ मक् के अंदर जो ये लोग मौजूद थे इनमें बड़े बड़े शुरा जिनको अपनी फसाहत और बलागत पर बड़ा नाज था तो ये यहाँ पर मौजूद थे तो आप ये देखेंगे कि वहाँ फिर जो शराह मुबारका नाजन हुई उनके अंदर इसी तरह से एक रोब एक कलाम के अंदर भी एक फ़सात बलागत का एक हसिन और ख़ूबसूरत तरीन इम्तज़ाज नज़र आता है हदाजुलज़िलतरदिलज़ाला وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى صدق الله العظيم تو اس طرح و اپ نظر ائے گا اور یہ و मुख्तसर सूरतें हैं जो कि मक्की सूरतें हैं और मदनी सूरतों के अंदर एक तो तवालत है और उसके अंदर अक्सर अहकाम बयान किए गए यहाँ पर जो मक्की सूरतें हैं उनके अंदर आप पिछली उम्मतों का तस्करा पढ़ेंगे तो हीद के बारे ज़्यादा रिसालत के बारे इसी तरह से आखरत के जो मुख्तलिफ तफासिल हैं जैसे ये मैंने अभी सुरह सेलजाल पढ़ी इसके अंदर भी आख़रत की कशी की गई कि कैसा वो मंज़र होगा और किस तरह से एक हर तरफ एक अफरा तफरी का आलम होगा तो ये तमाम चीज़ें अक्सर वेशतर आपको मक्की सूरतों के अंदर नज़र आएँगे जबकि मदनी सूरतों के अंदर वहाँ पर पर्सनल लाइफ के हवाले से इसी तरह से जो सोसाइटी के हवाले से आयली और इसी तरह से माशरती जो मुख्तलिफ़ मसाइल हैं उनके हवाले से रहनुमाई इसी तरह से जहाद के अहकाम इसी तरह से जो दीगर मुख्तलिफ तरह के अहकाम हैं वो आपको मदनी सूरतों के अंदर अक्सर वहाँ पर वो मौजूद होंगे तो ये एक पहचानने का एक आसान सा जरिया है कि जिसके ज़रिए आपको अंदाज़ा हो जाए कि आप जिस सूरह मुबारक की तिलावत कर रहे हैं ये मक्की है या मदनी है तो जैसे मैंने इसके निशानियों में से एक ये जिक्र किया कि मदनी सूरतों के अंदर आपको मुनाफी का तजकर मिलेगा सोर् बकरा के बिल्कुल आगाज़ के अंदर मुनाफीन का जो ग्रोह है उसका भी जिक्र मिल रहा है और इस वजह से भी आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये शुरह मुबारक मदनी सूरतों में इसका शुमार होता है अच्छा फिर इसके अंदर एक और चीज़ भी है देखें कि कुछ वो सूरतें हैं कि जो सारी की सारी मुकम्मल उनके अंदर जितनी भी आयात हैं वो सारी मक्की आयात हैं और उसको उसी दौर के अंदर वो नाजिल हुई जैसा कि सूरह मुदसर है फिर कुछ वो सूरतें हैं कि जिनके अंदर तमाम की तमाम आयात मदनी आयात हैं और वो हैं जैसे सूरह आले इमरान है और फिर उसके अलावा कई ऐसी सूरतें हैं कि जिनको मक्की कहा जाता है लेकिन उसके अंदर कई मदनी आयात भी मौजूद हैं इसी तरह से कई मदनी सूरतें हैं मगर उसके अंदर मक्की आयात भी मौजूद हैं तो चूँकि हकीम इस तरह से इस तरतीब के साथ तो नाजिल नहीं हुआ जो हमारे पास मौजूद है ये तो खुद नबी करीम सलील्स कराम रदून ताल मजमान को बताते जाते और फिर वह उसी के मुताबिक उसको याद करते जाते लेकिन ये मख्तल आयात मुबारका मख्त मौाक़ पर नाजिल हुई जैसे अब ये सुर बकर है तो इसकी अगर हम यहाँ पर तरतीब देखें जब तिलावत के हवाले से देखें तो बिल्कुल आगाज़ के अंदर सुरह फातिहा के बाद हम सुर बकरा की तिलावत कर रहे हैं लेकिन इसी सुरह मुबारक के अंदर एक आयत वो है कि जो कुरान हकीम की सबसे आखिरी आयत है तो फरमा वकूँ यो मन तुर जा और ये दस हिजरी को दस झिलहज को हज के मौका के ऊपर नाजिल हुई मिना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल् वहाँ पे हुजाज के साथ मौजूद थे और वहाँ पर इस आयत मुबारक को नज़ुल हुआ और उसके बाद तरीबा अस्सी नवे दिन आप हयात मुबारक आपकी रही ज़ारी हयात मुबारक और ये वो कुरान हकीम की आयत मुबारक है जिसको आखिरी आयत के अंदर शुमार किया जाता है और ये भी शुर बकर का हिस्सा है तो इसलिए एक है तरतीब नज़ुली और वो मुख्तलिफ है यानी जो पहले आया शराह मुबारका नाजल हुई या आयात मुबारका नाजल हुई उसमें जो कुरान कुरानिकीम की सबसे पहली सूरत है वो या पहली आयात मुबारक हैं वो शराह अलग की वो पहली पाँच आयात मुबारक मशहूर के जिनके अंदर अल्लाह रबुल्ज़त ने एक रौ बिसम रपिक खलक अल्लाह रबुलत ने पढ़ने का हुक्म दिया और अपनी रब का तस्करा फरमाया तो ये इन सुरह मुबारक का एक मुख्तसर सा तारफ़ है लेकिन ये भी जहन में रहे कि जिस सूरत आप कह रहे हैं कि ये मक्की है उसके अंदर कुछ सूरतें मदनी भी हो सकती हैं और आयतें है, उसके अंदर मदनी भी हो सकती हैं इसी तरह से जो मदनी सुरह मुबारका हैं उसके अंदर कुछ आयात वो मक्की दौर की भी शामिल हो सकती हैं अच्छा ये तो एक जो मक्की और मदनी सूरतों के हवाले से एक तारफ हो गया अब खुद सुन बकरा के हवाले से कुछ बातचीत कर ली जाए इसकी भी कुछ फ़जाल जो नबी करीम सलीसम ने बयान फरमाया वो मैं आपके सामने रख दूँ और फिर इन श्ला हम इसका जो माना मफहम है वो आपके सामने रखेंगे और यह भी मैं अर्ज़ करूँगा कि इसका मतलब बकरा क्यों रखा गया बकरा का जो मतलब है वो गाय है तो क्यों इस शोरा मुबारक का नाम इस पर है इसका भी जिक्र कर लेंगे लेकिन उससे कबल ये जो फ़ाइाल हैं इसके नबी करीमली वल्लम ने बयान फ़रमाए उसमें से एक फ़जील तो हज़रत अनस तू से मनकूल है कि आपने रिवायत किया नबी करीम सल्लम से कि नबी करीम सल्ला वल् ने फरमाया कि जिस घर के अंदर ये शोरा बकरा की तलावत होती है वहाँ से शैतान भाग जाया करते हैं इसी तरह से एक और हदीस मुबारक के अंदर नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऐसी अजीम शराह मुबारक है कि जब इसका नज़ुल हुआ तो इसकी हर आयत के साथ अस्सी फरिश्ते नाज हुआ करते थे उन आयात मुबारक की अज़मत और ताज़ीम की खातर हर हर आयत के साथ अस्सी फरिश्ते नाजुल होते रहे फिर इसी तरह से नबी करीम सल्हलम ने फरमाया कि इस शुरह मुबारक के अंदर एक ऐसी आयत है जो तो कुरान हकीम की तमाम आयात में से अफजल तरीन आयत है और वो कौन सी आयत है वो है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अनु फरमाया करते थे कि जो शख्स हर रात को इस सुरह मुबारक की दस आयतें पढ़ ले उस रात के हर तरह के शर से अल्लाह रब्ज़त उसकी हिफाजत फरमा देगा और उसके और उसके अहल ख़ाना को अल्लाह रबुज़त हर तरह के उस रात के शर से महफूज भी रखेगा और जन्ात और शयातीन उस घर के अंदर उस रात दाखिल नहीं हो सकेंगे वो कौन सी आयात मुबारकएँ हैं पहली चार आयात मुबारक सुरह बकर फिर दरमियान की तीन आयात मुबारक यानी एक आयतुल कुर्सी और उसके बाद की दो आयात मुबारक और फिर उसके साथ साथ जो आखिर की तीन आयात मुबारक हैं ये वो दस आयात मुबारक आपने ज़िक्र फरमाई कि जो शख्स रात के वक़्त इसकी तिलावत कर ले तो उस रात जन्नात शयातीन उस घर में दाखिल नहीं होंगे और साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस अहले खाना की हर तरह के शर से आफात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस रात उनकी प्रोटेक्शन फरमाएगा उसकी हिफाजत फरमाएगा तो ये मुख्तलिफ इसकी फ़ज़ाइल हैं फिर इसी तरह से इस सुरह मुबारक के अंदर बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ तफासिल के साथ चीज़ों को बयान किया गया तो उलमा ने बड़ी तफसील इस हवाले से ज़िक्र किया तफसर करतबी एक बड़ी मशहूर तफसीर की खताब है उसके अंदर ये मनकूल है इब्ने अरबी आल रहा उनका ये कौल कि वो फरमाते हैं कि हमने अपने उससे से सुना कि इस सुरह मुबारक के अंदर एक हज़ार अवामिर हैं एक हज़ार नवाही हैं यानी वो चीज़ें कि जिनसे मना किया गया एक हज़ार हकमतें हैं और एक हज़ार अखबार और किसत इस शुरह मुबारक के अंदर मौजूद है हज़रत सैद और फारूक रजी अल्लाह तन जब शुरह बकरा को तफसीर के साथ पढ़ने लगे तो आपको बारह साल लग गए यानी उसके अंदर ज़्यादा आप उसकी वो तफसीत में भी जा रहे थे और फिर उसके साथ साथ वो जो, जो आए थे मुबारका पढ़ते तिरवत करते फिर उस पर अमल पैरा होने की एक खास तक वो अपने शान के मुताबिक उसका अहतमाम किया करते थे तो आपको बारह साल लगे इस शुरह मुबारक को तफसीर के साथ मुकम्मल करते हुए इसी तरह से आपके साहबजादे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तु उन्हें तकरीबन आठ साल लग गए इस शुरय मुबारक को मुकम्मल करने के लिए तो आप अंदाज़ा कीजिए कि उनका जो तल्लु पुराने हकीम के साथ कितना मज़बूत था वो ऐसा नहीं है कि वो ये सोच रहे हों कि अब इतना अरसा गुजर गया है तो बस मैं कुछ और कर लूँ नहीं वो उसको उसी तरतीब के साथ उन्होंने जारी रखा अपनी ज़िंदगी के काम काज भी जारी रखे मगर उसके साथ साथ उस शुर मुबारक को सीखने के लिए उन्होंने अपना जो वक्त है उसको भी साथ मुकर किए रखा तो आप भी इन श्ला हम आठ दस बारह बरस तो नहीं लगाने जा रहे अख्तिस के साथ चीज़ों को जिक्र करेंगे मगर ये इरादा रखें कि जब तक इन शाला तफसर कुरान का सिलसिला जारी रहेगा आप एक क्लास के तौर पर इसमें मौजूद रहें इसको सीखने की कोशिश करें याद रखने की कोशिश करें नोट करने की कोशिश करें तो इन शबुज़त आपको भी कुरान और कुरान वो कि जिनको फिर नबी अलैहि वसल्लम ने अहल्ला व खास सतो फरमाया करीम उनमें आपको शामिल फ़रमाएगा अब आ जाते हैं इसके मानव मफहम की तरफ इसके अंदर बिल्कुल आगाज़ के अंदर अल्लाह रबुज़त ने शाद फरमाया किलीफ्लाम मेम यह सर बकरा का बिल्कुल आगाज़ अली फ मेम अच्छा ये इन हरूफ को हरूफ मुखात कहा जाता है हरूफ मत ये तकरीबन उनतीस सूरतें हैं कुर हकीम की जिनके अंदर हरूफ तहजी जो अरबिक बैठा है उसके ट्वेंटी एट लेटर्स हैं उनमें से तकरीबन चौदह हरूफ अल्लाह रबालज़त ने चुने और उनतीस सूरतों के शुरू के अंदर उनको रख दिया जिन्हें हम हरूफ मत के तौर पर जानते हैं तो इनको पढ़ने का जो तरीक़ाकार है, है वैसे तो ये हरूफ तहजी जब इनको किसी भी क्लमे के अंदर पढ़ा जाता है तो उसके ऊपर ज़बर जेर पेश कुछ ना कुछ हुआ करता है लेकिन इन सराहा मुबारक के आगाज़ के अंदर इनके आखिर में सिर्फ़ सुकून या जज़म होगी यानी हम यूँ नहीं पढ़ते पढ़ेंगेफिलाम अलिफ, उन यहाँ पर शुरू में तो सबको पता होता है अलिफ अलिफ़्लम मीम लेकिन जब आगे जाते हैं वहाँ पर जैसे अलिफ अलिफ़्लम मीम सौद है तो गलत पढ़ना शुरू कर देते हैं अलमा सा मैंने मुख्तफ़ लोगों को इस सब भी पढ़ते देखा का ना नहीं जब बिल्कुल ये जो हरूफ तहजी हैं जब आपने इनकी तिलावत करनी है तो उसी तरह से जैसे ये लिखे हुए आखिर में आप सुकून पढ़ेंगे अलिफ लम मीम आखिर जैसे कौफ सौद अलिफिल मीम सौद अब ये हरूफ तहजी इनका माना मफोम क्या है मुफसरीन ने इसके हवाले से मुख्तलिफ़ बड़ी तफस के साथ बात की हुई है लेकिन उसमें सबसे बेहतरीन राय यही है कि ये अल्लाह और उसके रसूल सल्ला वसलम ही इस बारे बेहतर जानते हैं और अल्लाह रबालसत ने गोया ये एक चैलेंज दिया है कि इन्हीं हरूफ तहजि से हमने इस कलाम पाक को अपने हबीब करीम अलैहि वसल्लम पे नाजिल फ़रमाया है और उसके अंदर यही हरूफ तजि इस्तेमाल किए गए तो अगर तुम्हें यह दावा है कि ये कुरान अल्लाह की तरफ़ से नाजल नहीं हुआ हुआ बल्कि मोहम्मद सल्ला वसम ने ख़ुद से इसको घड़ा है तो फिर तुम भी इन्हीं हरूफ तहजी के साथ इसी कुरान की मिसल कोई सूरत तरतीब दे दो कोई आयत तरतीब दे दो लेकिन कोई भी इतनी फसाहत और बलागत के बावजूद इस कुरान हकीम की मिसल कोई आयत ना ला सका कोई सूरत ना ला सका और बाकी मुख्तलिफ़ इशारे किए जाते हैं उनमें से एक ये भी जिक्र किया जाता है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजील्ला फरमा के अलफ ला मीम इससे मुरादालिफ से अल्लाह और लाम से लाम के अंदर जो इशारा है अल्लाह रबत का वो अला यानी जो अल्लाह रबुज़त की नियमतें हैं लिफ से मुराद वो है और फिर लाम से मुराद लुफ़ है अल्लाह रब का और मीम से मुराद मुल्क यानी अल्लाह रब्ज़त की इस बादशाहत के अंदर इस पूरे निज़ाम कायनत के अंदर जितने भी अल्लाह रब्ज़त की नेमतें इंसान को हासिल होती हैं ये रब के लुफ़ करम से ही हासिल होती हैं इसी तरह से कुछ ने यह जिक्र किया कि अलिफ से मुराद अल्लाह लाम हज़रत अलैहिस्सलाम का आखिरी हरफ़ ले लिया गया और मीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गोया उसमें इशारा ये है कि ये वो कलाम है कि जो अल्लाह इज़्ज़त ने हज़रत अलैहिस्सलाम के ज़रिए अलैहि वसल्लम पे नाज़ल फ़रमाया तो ये मुख्तफ़ इसकी ये इशारे ज़िक्र किए गए लेकिन हकीकत यही है कि अल्लाह और उसके रसूल सभी भी इसका हकीीकी मफहम समझते हैं जानते हैं लाल कल ये वो किताब है लारईबा जिसमें कोई शक नहीं ला रई बफी इसमें कोई शक नहीं हुदन हिदायत है ये लफ्ज़ हुदा या अल्दा तरीबा दो सौ मरतबा कुरान हकीम में मुख्तलिफ जगह पर आया है। जिसका मतलब है हिदायत गाइडेंस ली के लिए अलमुतिन मतकी के लिए अलदीन मनूना अच्छा अब ये क्योंकि पहले सोरे फातह के अंदर दुआ मांगी गई थी कि इलामीन हमें हिदायत अता फ़रमा सीधे रास्ते पे चला हिदायत था फ़रमाए तो फरमाया ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है और ये किताब हिदायत है मतकीन के लिए अब मतकीन कौन है इलाहामिन वो जो दुआ मांगी थी उसका जवाब तो मिल गया कि ये किताब मैंने नाजिल कर दी है तुम्हारी उस दुआ के जवाब में और हिदायत तुम्हें इस किताब से मिलेगी लेकिन किस किस को मिलेगी वो मतकी होंगे और वो मतिन कौन है मैं अल्लादीन मिनूनबिल गैबी वो जो ईमान बिल ग़ैब रखते हैं गैब पर ईमान रखते हैं अल्लाह पर फरिश्तों पर रोज़े हशर पर और अल्कदर खै रही बशर रही ताला अच्छी बुरी तकदीर जो अल्लाह रबित की तरफ से वो तमाम जो चीज़ें जिनका आगे अल्लाह रब इज़त पर तस्करा फरमाता है वो गैब पर मुख्तसरन ईमान रखते हैं वह युकीमअलता और वो नमाज कायम करते हैं वह मिम्मा और उसमें से रज़ नाहम जो हमने उन्हें दिया है यूनफ़ून व खर्च करते हैं और उसके बाद फिर मज़ीद आगे उनकी कौन सी निशानी जिक्र की वल्लिन मिन न अबी माँ उन ज़िला का और वो जो ईमान लाए उस पर जो आपकी तरफ नाजिल किया गया व माँ उन ज़िला और जो नाजिल किया गया मिन से क़बली का आप से पहले तो मिन क़बलिका आपसे पहले जो नाजिल किया गया उस पर वो ईमान रखते हैं वबिल आख़िरत हम योकिन और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं का अला हदम रबिम व उला का हमुलमफलि सरह फ़ातः के अंदर दुआ मांगी गई थी कि इलाम हमें हिदायत अता फ़र्मा अल्ला रब ने फरमाया यह किताब मैंने नाजल कर दी है इसके अंदर शक़ शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है और यही किताब किताब हिदायत है लेकिन हिदायत किसे मिलती है जिसके दिल के अंदर ईमान होता है गैब पर ईमान जितना ईमान पुख्ता होता है उतने उसके अमल के अंदर निखार आता चला जाता है नमाज की पाबंदी उसे नसीब होती है उसे अल्लाह की राह के अंदर खर्च करने का जज्बा नसीब हो जाता है और फिर उसके साथ साथ वो जो भी ये किताब के अंदर अहकाम हुजूर की तरफ नाजिल हो रहे हैं उन पर भी ईमान रखता है और जो पहली किताबें नाजिल हुईं उन पर भी वो ईमान रखता है वह बिल आखिरत हमूकिन और आखिरत के ऊपर वो यकीन रखने वाले उलाका यही वो लोग हैं इशारा इसमें इशारा इस्तेमाल किया गया आगे इसकी तफ़ील बयान करते चले जाएँगे अला पर हदन हिदायत मिन से रब उनके रब उलाई का अलादम रबीम यही वो लोग हैं कि जो अपने परवरदिगार की तरफ से आई हुई हिदायत पर हैं अल्लाह अबुलज़त ने जिस हिदायत को नाजिल किया जिस किताब हिदायत को नाजिल किया उस पर चलने वाले यही लोग हैं कि जिनकी निशानियों को बयान कर दिया गया वह उलाई का हुफल हूं और यही लोग कामयाब हैं इंसान इस चीज़ की तलाश के अंदर मारा मारा फिरता है कि उसे कामयाबी हासिल हो जाए अब कामयाबी क्या है हर कोई अपने अपने सोच के मुताबिक कामयाबी का मैार का बनाए हुए कोई ये समझता है कि उसे इतनी दौलत हासिल हो जाएगी तो वो कामयाब हो जाएगा उसे सुकून हासिल हो जाएगा कोई ये सोचता है कि उसे इतनी शोहरत मिल जाएगी तो वो कामयाब हो जाएगा उसे सुकून हासिल हो जाएगा कोई ये सोचता है कि उसे इतना इकतदार इख्तियार मिल जाए तो वो कामयाब हो जाएगा उसे सुकून हासिल हो जाएगा मगर हमने देखा बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इकतदार भी होता है इख्तियार भी होता है मालो दौलत भी होता है शहरत भी होती है सब कुछ होते हुए वो बेसकून होते हैं और वो फिर भी उनके दिल के अंदर कोई कमी सी होती है वो फिर भी कामयाबी की तलाश में होते हैं फरमाया कामयाब हकीकी वही है कि जिसे अल्लाह की ज़ात पर ईमान नसीब हो जाए और ईमान ऐसा हो कि जो उसके फिर अमले साले के अंदर उसको इजाफे का सबब बनता चला जाए और ये जितना ईमान मजबूत होगा उतना अमले साले के अंदर इजाफा होगा और उतने ही फिर जो इस किताब मजीद के अंदर जो अहकाम नाजिल हुए उन पर अमल भी उसके लिए आसान होता चला जाएगा तो इसलिए बिल्कुल आगाज़ के अंदर जिस चीज़ की तरफ तोज्जो दिलाई गई है वह है ईमान और ईमान ईमान बिल ग़ैब तो अल्लाह रबुल इज़त हमें यही ईमान बिल ग़ैब जो उसने अता फरमा रखा है इस पर मज़द हमें इस्तकामत भी नसीब फरमाए और इसके तकाज़ों को समझना भी नसीब फरमाए आमीन बिजाह नबी अमीन आखिर उदा अनद्लाम इनशा अगले आयाते मुबारक को अगले जुम्मे को बयान करेंगे